हेलो व्यूअर्स, मुझे ज्योतिश्री आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल एडु एनहांस को टुडे हार्ड वर्क फॉर बेटर टुमारो। तो फ्रेंड्स आज हे 13 मार्च 2024 तो आज किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर जहाँकि आपण समस्त प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत बेनिफिटेड रहा। आसतु डिस्कशन करवा फास्ट जी फास्ट लाइड को कौन अच्छी देखा। तो फास्ट अच्छे देखो वेर इज नॉर्थ इंडिया फास्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज से टू बी एस्टैब्लिश। तो केउठारे नॉर्थ रो इंडिया रो प्रथम गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एस्टैब्लिश होगा जाऊँगी। ऑप्शन ए अच्छे उत्तराखंड, बी अच्छे जम्मू एंड कश्मीर, सी अच्छे पंजाब, डी अच्छे हरियाणा। तो ये आंसर हम आप जम्मू काश्मीर प्रथम कर नॉर्थ रे आपणकर गोटे गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एस्टैब्लिश होगा जाऊँगी। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन अच्छी देखा। हु हेज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसीडेंट अफ द पारालंपिक कमिटी अफ इंडिया। किए इलेक्टेड होती न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाराओलंपिक कमिटी इंडिया रो। ऑप्शन ए अच्छी देवेंद्र झरझरिया, बी अच्छी दीपा मल्लिक, सी अच्छी जे चंद्रशेखर, डी अच्छी आंड्रयू पर्सन्स। तो ये आंसर हम किए आपर एपॉइंटेड होती न्यू प्रेसिडेंट एज सी होती देवेंद्र झरझरिया। ऑप्शन ए हम राइट आंसर। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स। तो क्यों आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो एम्पावर करछि द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिशन। प्रेसिडेंट को एम्पावर करछि अपॉइंट करिया पई चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ऑप्शन अच्छी ए रे आर्टिकल 315, बी अच्छी आर्टिकल 323A, सी अच्छी आर्टिकल 322, डी अच्छी आर्टिकल 3242। तो ये आंसर हम क्यों आर्टिकल एम्पावर कर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 3242। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 इन व्हिच इंडियन रीजन डिड द पुलिस लॉन्च ऑपरेशन कामधेनु टू कम्बैट कैटल स्मगलिंग। तो क्यों इंडियन रीजन ले पुलिस लॉन्च करछि ऑपरेशन कामधेनु कैटल मानक स्मगलिंग को बैन करने। ऑप्शन ए अच्छे जम्मू एंड कश्मीर, बी अच्छे मध्य प्रदेश, सी अच्छे राजस्थान, डी अच्छे गुजरात। तो ये आंसर हम आप जम्मू कश्मीर पुलिस लॉन्च करिछि ऑपरेशन कामधेनु कौन करने टू कम्बैट कैटल स्मगलिंग। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 रे कौन अच्छी देखो अन व्हिच डेट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CEEH। कौन डेट्रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करिछि इम्प्लीमेंट करने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन ए अच्छी मार्च 12, बी अच्छी मार्च 9, सी अच्छी मार्च 11, डी अच्छी मार्च 8। तो ये आंसर हम आप मार्च 11 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करछि इम्प्लीमेंट करने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जेटा कि CAA। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 कौन अच्छे देखो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया CRNI टू एड्रेस जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस। क्यों ऑर्गेनाइजेशन टी इंट्रोड्यूस करी सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, इंडिया रो सी रिसर्च नेटवर्क एड्रेस करने जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस। ऑप्शन ए अच्छी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी अच्छी UGC, डी अच्छी UNESCO, डी अच्छी WHO। तो ये आंसर हम क्यों ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस कर मन रखिए UGC। UGC ऑर्गेनाइज कर सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 इन व्हिच इंडियन स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनागुरेट द नेशनल डायरी मेला एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। क्यों इंडियन स्टेट रे आपणकर यूनियन मिनिस्टर अच्छा जो अर्जुन मुंडा इनागुरेट करिसेंती नेशनल डायरी मेला एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। ऑप्शन ए अच्छी झारखंड, बी अच्छी कर्णाटक, सी अच्छी केरला, डी अच्छी महाराष्ट्र। तो ये आंसर हम आप झारखंड रे अर्जुन मुंडा इनागुरेट करिसेंती नेशनल डायरी मेला एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 इन व्हिच इंडियन स्टेट वाज द ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ अहम जनरल लचित बुरफुखान अनभेल्ड। तो क्यों इंडियन स्टेट रे ब्रोंज स्टैच्यू हिचे कहार अहम जनरल लचित बुरफुखान कर
जेटा कि अनभेल्ड होती। ऑप्शन ए अच्छी अरुणाचल प्रदेश, बी अच्छी मेघालय, सी अच्छी मणिपुर, डी अच्छी आसाम। तो ये आंसर हम आपंकर आसाम रे जे कि अहम जनरल लचित बोरफुकान गोटे ब्रोंज स्टैच्यू अनभेल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अच्छे देखते क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच स्टेट रिसेंटली अनभेल्ड इट्स फोर्थ वोमेन पॉलिसी। क्यों स्टेट रिसेंटली अनभेल्ड कर चतुर्थ थर पर वोमेन्स पॉलिसी। ऑप्शन ए अच्छे उत्तर प्रदेश, बी अच्छे बिहार, सी अच्छे महाराष्ट्र, डी अच्छे कर्नाटक। तो ये आंसर हम आप महाराष्ट्र स्टेट रिसेंटली अनभेल्ड कर फोर्थ टाइम पर वोमेन्स पॉलिसी। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 ले कौन अच्छे देखो। विथ व्हिच ट्रेड एसोसिएशन डिड इंडिया साइन ए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्यों ट्रेड एसोसिएशन इंडिया सहित साइन करी गोटे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ऑप्शन ए अच्छे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, बी अच्छे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA, सी अच्छे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, डी अच्छे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये आंसर हम आपंकर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। कौन कर ट्रेड कर गोटे ट्रेड एसोसिएशन इंडिया सहित साइन करी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 ले कौन अच्छे देखो। तो इन व्हिच इंडियन स्टेट वाज द सिला टनल प्रोजेक्ट वर्चुअली इनॉग्रेटेड। क्यों इंडियन स्टेट रे सिला टनल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड हुई अच्छे वर्चुअली। ऑप्शन ए अच्छे आसाम, बी अच्छे मणिपुर, सी अच्छे अरुणाचल प्रदेश, डी अच्छे नागालैंड। तो ये आंसर हम आपंकर अरुणाचल प्रदेश रे। ऑप्शन सी हम राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश रे सिला टनल प्रोजेक्ट वर्चुअली इनॉग्रेटेड हुई अच्छे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 12। एट द एंड ऑफ द डिकेड फ्रॉम 2014 टू 2024 व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मोबाइल फोन प्रोडक्शन। एट द एंड ऑफ द डिकेड माने 10 वर्ष जेटा कि आपनको रहिछ 2014 रु 24 पर्यंत इंडिया रो पोजीशन केते रहिछ अचीव करिवारे कोन रे ना आपनको ग्लोबल मोबाइल फोन प्रोडक्शन ले। ऑप्शन ए अछि फर्स्ट, बी अछि थर्ड, सी अछि फोर्थ, डी अछि सेकंड। तो इंडिया केते पोजीशन रे अछि 10 वर्ष भितरे मोबाइल फोन प्रोडक्शन ले सेकंड रे अछि। ऑप्शन डी हम राइट आंसर। या भितर आपनकर आज रो किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सरी जाइछ ऑलरेडी। आशा रखिबे वीडियो टी भल लागथिबो। जदि वीडियो टी भल लागथिबो निश्चित लाइक करबे, फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करबे, और जदि एते पर्यंत हमर चैनल को सब्सक्राइब करिनाथि ना निहाती कर देबे। एतिक त आशा रखिबे ना। तो रहिली, थैंक यू, पुणे देखा हबा काली नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास रे। जय जगन्नाथ।